अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खालिद। आप देख रहे हैं खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त करोगी क्रॉसिंग पर मौजूद हूं। ये क्रॉसिंग का मेन वो एरिया है जहां पर हफ्ता इतवार जुम्मा बाज़ार भी लगाया जाता है और लोग बड़ी तादाद में यहां पर ख़रीदो फरोख्त करने आते हैं। लेकिन जब भी बारिश आती है तो यहाँ पर CVO जो है वो यहाँ पर आ जाता है। आप देख सकते हैं इधर उधर ये पूरी मेन रोड है क्रॉसिंग जाने वाला। सामने क्रॉसिंग पे जो अमन टावर है वो सामने पुल है। और यह आप लोग देखेंगे जिस तरह से बाज़ार लगा हुआ है और पानी, यहाँ कोई सैलाब नहीं आया, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप लोग समझेंगे सैलाब आ गए। ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ चंद सेकंड की बारिश का पानी है जो कि निकालने का बिल्कुल भी इंतज़ाम नहीं है। निकासी आप बिल्कुल फ्री है, जो है पानी निकाला नहीं जा सकता। और लोग किस तरह की अजियत का शिकार होंगे ये आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं और मेरा भाई भी इस वक्त पानी में से ही चढ़ रहे हैं कपड़े और पांचे उठा कर ताकि हमारे कपड़े ना ख़राब हो। लेकिन लोग किस मसाइल का शिकार हैं, किस मुसीबत का शिकार है, ये इस बात का अंदाज़ा वो लोग लगा सकते हैं जो कि इस मसाइल का शिकार है। घर ACO के नीचे सोए हुए लोग नहीं लगा सकते, ना ही वो इन चीज़ों का अजाला करना चाहते हैं और ना ही वो मसाइल हल करना चाहते हैं। अगर किसी को आवाम के मसाइल से मोहब्बत होती तो आज मेरे ख्याल में ये मसाइल हल हो चुके होते। बस सिर्फ जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी सियासतदान हैं, जो भी हैं, वो सिर्फ वादे दावे करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कुरंगी की आवाम के लिए, क्रॉसिंग की आवाम के लिए काम कोई नहीं करता। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2015 साल से कराची में पूरे सिंध में बरसर इकतदार है, लेकिन काम देखे तो ये हालत है जी। और ये देखिए किस तरह से लोग जो है कश दरिया को अबूर करके जो है लोग गुजर रहे हैं, पानी में बेचारे अपने अपना कारोबार कर रहे हैं। तो ये देखें,